हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फूड पॉइजनिंग के बारे में। मैं डॉक्टर मनीष काक, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल गाजियाबाद। समर्स में कई बार हमने सुना है कि फूड पॉइजनिंग हो गया या इन्फेक्शन हो गया, लूज मोशन हो गए, एक्यूट डायरिया हो गया। तो ये क्या है, इसका रीज़न क्या है और इससे कैसे हम बच सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो फूड पॉइजनिंग मतलब हमने कुछ ऐसा खाना खाया जो हमारे अंदर चला गया और पेट में इन्फेक्शन हो गया और वो बैक्टीरिया ने मल्टीप्लाई किया और उसके कुछ सिम्टम आ गए। सिम्टम क्या होते हैं? पेट में दर्द होना, उल्टी होना, लूज मोशन होना या बुखार आना, ये सब सिम्टम होते हैं फूड पॉइजनिंग के। लेकिन ये फूड पॉइजनिंग होता क्यों है? क्योंकि हमने ऐसा कुछ खाना खाया है जो रोड साइड खाना है या घर में भी कोई ऐसा खाना खाया है जिसमें बैक्टीरिया या वायरस या कोई पैरासाइट पहले से आया हुआ है और वो हमारी बॉडी में जाके फिर मल्टीप्लाई करता है, फिर ग्रो करता है और अपने सिम्टम देता है। कभी कभी इसके सिम्टम 2 घंटे के बाद भी आ सकते हैं और कभी कभी इसके सिम्टम 3 से 4 दिन के बाद भी आ सकते हैं। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? इससे बचने का उपाय बेस्ट है कि हमें समर्स में कुक्ड फूड लेना चाहिए। जितना भी कोशिश कीजिए पका हुआ बॉयल्ड खाना खाना चाहिए और रॉ फूड, रॉ वेजिटेबल या रॉ जितने भी चीज़ें होती है उसको अवॉइड करना चाहिए। और रोड साइड खाना जैसे ढाबे पे खाना खाते हैं या कहीं ऐसी जगह पे खाना खाते हैं जो अनहाइजीनिक हो, जहाँ पे प्लेट्स, डिशेस, स्पून्स वगैरह साफ़ नहीं किए जाते हैं, वहाँ वो बैक्टीरिया ग्रो करता है और जब फिर हम वो खाना खाते हैं वो हमारे अंदर जाके इसके सिम्टम देता है। तो ये जो फूड पॉइजनिंग है, एक्यूट डायरिया है, कभी कभी हल्का होता है, जिसका मतलब आप घर पे अपना उपचार कर सकते हैं, जैसे ORS वगैरह पी सकते हैं या शुगर और नमक डाल के पानी पी सकते हैं और डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं। लेकिन कभी कभी इसका मैनिफेस्टेशन या इसका जो है सीवियरिटी होती है, उसका मतलब है बुखार आ गया, 100-101 लैटिन में ब्लड आ गया, डिहाइड्रेशन हो गई। डिहाइड्रेशन जिसमें बोलते हैं शरीर का पानी कम हो जाता है। उसका वो कैसे हम समझ सकते हैं कि पानी कम हो रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूरिन हमारा कम हो गया, पेशाब की जो मात्रा है जो हम रेगुलर करते हैं वो कम हो गई और जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं जैसे लिप्स हैं, टंग है, ये हमारा ड्राई हो जाता है। अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो उसके लिए बेस्ट होता है आपको परामर्श लेना चाहिए, नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि वो एसेस कर सके कि आपको डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रहा है। इनकेस डिहाइड्रेशन हो रहा है तो आपको फिर ग्लूकोज, IV फ्लूइड वगैरह की जरूरत पड़ सकती है। इनकेस डिहाइड्रेशन नहीं है तो आप कुछ टाइम के घर पर भी अपना उपचार करके देख सकते हैं। कई बार ये फूड पॉइजनिंग या एक्यूट डायरिया सेल्फ लिमिटिंग होता है, मतलब वो 1 या 2 दिन में ठीक भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी इसका जैसे मैंने कहा सीवियरिटी ज़्यादा भी हो सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर बुखार आया, लैट्रिन में ब्लड आ रहा है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, बेहोशी सी आ रही है, यूरिन का आउटपुट कम हो रहा है और सिम्टम आपको लग रहा है कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो इसको सीवियरिटी समझते हुए हमें नज़दीकी डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं यही कंक्लूड करूँगा कि समर्स में प्रॉपर खाना खाइए, हाइजीनिक खाना खाइए, बाहर का अवॉइड कीजिए, कुक्ड फूड खाइए, रॉ वेजिटेबल्स और रॉ फूड को अवॉइड कीजिए। कभी भी फूड पॉइजनिंग के सिम्टम हो तो अवेयर रहिए, घर पे ORS और हाइड्रेशन कीजिए और अगर कोई ऐसा भी सीवियर सिम्टम लगता है तो नज़दीकी डॉक्टर या हॉस्पिटल में दिखाइए। थैंक यू वेरी मच।